पहली बार मीडिया के सामने आए एसपी परमवीर सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की जांच कर रहे थे जिस वक्त मुंबई पुलिस के पास ये केस था। उन्होंने मीडिया में आकर इस बात का दावा किया है कि सीबीआई हालांकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन हमारी थी सीबीआई की भी बिल्कुल वही इन्वेस्टिगेशन आने वाली है, हम बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहे थे। परमवीर सिंह ने कहा कि मीडिया में जो कुछ भी खबरें चल रही थी हमको लेकर, वो सारी खबरें गलत थी, स्पेशली एक चैनल जो है वो गलत खबरें चला रहा था। साथ ही परमवीर सिंह ने कहा है कि इस केस में हमारी जितनी भी फाइंडिंग्स थी वो मैं और मेरी टीम के साथ 6 लोगों को ही पता थी, इसके अलावा ये खबरें किसी को पता ही नहीं थी, यानी कि हमने मीडिया को कोई भी खबरें दी ही नहीं थी। इसके अलावा एक और बात परमवीर सिंह ने इस पूछताछ के दौरान बताई कि सीबीआई जो इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो मुंबई पुलिस द्वारा दिए गए जो स्टेटमेंट्स है या जो रिपोर्ट्स है उसके बेसिस पर कम, और बिहार पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन है उसके रिपोर्ट्स पर ज्यादा कर रही है, क्योंकि सीबीआई की डिमांड बिहार पुलिस की तरफ से ही की गई थी। परमवीर सिंह का कहना है कि हम निष्कर्ष निकालने ही वाले थे, हम इस केस को क्लोज करने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये मामला जो है वो सीबीआई को दे दिया गया। हालांकि कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को गलत नहीं कहा था, इस बात को परमवीर सिंह ने कहा है। परमवीर सिंह का ये भी कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले को सॉल्व करने में हम सक्षम थे, और ये मैं मानकर चलता हूं कि जो सीबीआई की फाइंडिंग्स रहेगी वही फाइंडिंग्स हमारी भी रहेगी। तो कुछ इस तरह से मुंबई पुलिस की तरफ से एक और बड़ा बयान आया है सुशांत सिंह राजपूत मामले में। हालांकि परमवीर सिंह ने खुलकर अभी तक ये नहीं बताया कि एसपी विनय तिवारी को क्यों क्वारंटीन किया गया था गलत तरीके से, फिर आमिर खान आए तो उन्हें क्यों नहीं क्वारंटीन किया गया। इसके अलावा ये भी नहीं अभी तक पता चल पाया है कि मुंबई पुलिस को सिद्धार्थ थानी ने जो एक कॉन्फिडेंशियल ईमेल लिखा था जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि सुशांत सिंह राजपूत के जीजू जो है वो उन पर दबाव बना रहे हैं रिया के खिलाफ गवाही देने पर, वो ईमेल जो सिर्फ मुंबई पुलिस और सिद्धार्थ पिठानी के बीच में थी, वो ईमेल का जिक्र रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट में कहां से आया, इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर कहां से निकली, ये अभी भी समझ नहीं आया है। जनता इसका भी जवाब जानना चाहती है, हालांकि परमवीर सिंह ने इसके बारे में कोई बात नहीं की।